वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था। उसके दो वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, आप देख चुके होंगे, जो कि है सिंपल मैकेनिज्म्स, ठीक है। और इसी का तीसरा वीडियो अब हाजिर है। तो इस तीसरे वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनामेटिक चेन। तो काइनामेटिक चेन क्या है? अब जैसा शुरुआत कहाँ से हुई थी, मशीन के एलिमेंट या काइनामेटिक लिंक से। तो काइनामेटिक लिंक क्या होता है ये आपको क्लियर है, और काइनामेटिक पेयर बनता है दो काइनामेटिक लिंक्स से अगर वो कॉन्टैक्ट में हैं और कंस्ट्रेंट मोशन है उनके बीच में, ठीक है। तो उससे आगे काइनामेटिक पेयर्स को मिला के बनती है फिर काइनामेटिक चेन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ काइनामेटिक लिंक्स इन स्पेस विच आर सो कनेक्टेड दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड एंड द लास्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट लिंक। यानी कि काइनामेटिक पेयर तक की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इसमें केवल एक चीज़ और ऐड होगी। आप देखोगे लास्ट लिंक जो है वो कनेक्टेड होता है फर्स्ट लिंक के साथ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक लिंक्स का जो किस तरह से कनेक्टेड है कि उनके रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंट है, ठीक है। यहाँ तक वही बात है जो काइनेमेटिक पेयर थी। उस काइनेमेटिक पेयर इस तरह से जुड़े हों कि जो फर्स्ट लिंक था उसमें वो लास्ट लिंक के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो वो बन जाती है काइनेमेटिक चेन, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ ज़रूरी है, एक तो कंस्ट्रेंट मोशन होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, और दूसरा लास्ट लिंक जो है फर्स्ट लिंक के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर उनके बीच में मोशन जो है कंस्ट्रेंट नहीं है या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक से ज़्यादा हैं तो वो इनडेफिनेट मोशन क्रिएट करेंगे और उसको हम बोलते हैं नॉन काइनामेटिक चेन। काइनामेटिक चेन की कंडीशन वही है जो सबसे पहले बताई गई है, ठीक है। और अगर कोई रिलेटिव मोशन ही ना हो, अगर इस तरह से हमने लिंक्स को जोड़ दिया कि लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो ही ना, तो वो बन जाती है लॉक्ड चेन या स्ट्रक्चर या रिडंडेंट चेन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, कंडीशन बता देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि वो काइनामेटिक चेन है या नहीं है, अगर है तो किस टाइप की चेन है। तो आपने ये देखना है, अगर तो रिलेटिव मोशन है और वो कंस्ट्रेंड है तो वो क्या बनेगी? काइनामेटिक चेन फॉर्म करेगी। लेकिन अगर मोशन है कंस्ट्रेंड नहीं है यानी कि इनडेफिनेट मोशन है तो वो नॉन काइनामेटिक चेन बनेगी। अगर मोशन ही नहीं आया उनके बीच में, रिलेटिव मोशन ही नहीं एग्जिस्ट करता लिंक्स के बीच में, तो वो लॉक्ड चेन या स्ट्रक्चर या रिडंडेंट चेन बन जाएगी, जैसे कि ये फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहले जो फिगर ऊपर है वो काइनामेटिक चेन फॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन हमारी पूरी होती हैं, फर्स्ट लिंक जो वो लास्ट लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आपको चार लिंक नज़र आएंगे इसमें, एक दो तीन चार लिखा, तो ये लिंक सिंप्लीफाई करके लिंक दिखा रखे हैं। तो चौथा लिंक जो फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर मूवमेंट करते हैं तो इन जितनी बार भी हम इनको मूव करें, किसी एक लिंक को मूव करेंगे तो बाकी लिंक्स हर बार उसी डायरेक्शन में उसी नेचर के मोशन जो है वो क्रिएट होगा। नॉन काइनेमेटिक चेन है दूसरे में, इसमें फर्स्ट और लास्ट भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर हम किसी एक लिंक को मूव कराते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो बाकी लिंक उसी डायरेक्शन में मूव करें। और तीसरा जो दिखा रहा हमारा लॉक्ड चेन, इसमें देखोगे तो पहली कंडीशन तो ठीक है, फर्स्ट लिंक कनेक्टेड टू द लास्ट, लेकिन इसमें हम किसी भी लिंक को मूव नहीं कर सकते, तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर। तो काइनेमेटिक चेन का एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा एक आईसी इंजन। इसमें सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, जर्नल बेयरिंग, ये सब एक केसिंग में है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं,
एक काइनामेटिक चेन, ठीक है। अब इसमें आप लिंक भी ढूंढ सकते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बॉडी है जो सिलेंडर है वो एक लिंक है, पिस्टन एक अलग लिंक है, कनेक्टिंग रोड अलग लिंक है, और क्रैंक शाफ्ट जो है अलग लिंक है। तो चार लिंक इस तरह से बन जाते हैं। तो इसमें जब जितनी बार भी मूव करेगा इनकी डायरेक्शन जो मोशन की वो डेफिनेट रहेगी, यानी कि पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट ही करेगी, ठीक है, और कनेक्टिंग रोड है वो सिलेट ही करेगी, और क्रैंक जो है वो रिवॉल्व ही करेगी। तो काइनेमेटिक चेन को मैथमेटिकली भी हम उसकी जो है कंडीशन को ला सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो काइनेमेटिक चेन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हम मैथमेटिकली उसको पहले उसकी कंडीशंस को चेक करेंगे, अगर वो फुलफिल होती हैं तो वो काइनेमेटिक चेन बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन दो दी हुई, एक तो L इज इक्वल टू टू माइनस टू पी माइनस फोर, और दूसरी इक्वेशन है J इज इक्वल टू ब्रैकेट में थ्री बाई टू एल माइनस टू। अब ये क्या है, अब L का मतलब इसमें नंबर ऑफ लिंक्स, और P क्या है नंबर ऑफ पेयर्स, और J क्या कहता है नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इन दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करती है कोई चेन तो वो काइनामेटिक चेन बनेगी, ठीक है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से ज़्यादा है तो वो लॉक्ड चेन बनेगी, यानी कि इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन टू पी माइनस फोर देन इट विल बिकम लॉक्ड चेन, इफ़ जे बिकम ग्रेटर देन द राइट साइड थ्री बाई टू एल माइनस टू देन इट विल बिकम लॉक्ड चेन। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम है तो वो अनकंस्ट्रेंड चेन बोलेंगे, ठीक है। तो काइनामेटिक चेन कब रहेगी, जब ये इक्वल होंगे, ठीक। और जो ये इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये तभी एप्लीकेबल हैं जब हम ये मान के चलें कि जो हमारी काइनामेटिक चेन है उसमें सारे के सारे पेयर्स जो बन रहे हैं वो लोअर पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि सभी लिंक्स के बीच में एक सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो उसी में ये एप्लीकेबल है। अगर तो हायर पेयर अगर उसमें आ जाता तो उस केस में हम एक हायर पेयर के बदले हम दो लोअर पेयर को ऐड कर देंगे उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, और एक लिंक भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, समझ रहे हो आप। अगर मान लो हमारे पास चार लिंक वाली एक चेन काइनामेटिक चेन है और उसके अंदर सारे के सारे लोअर पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, तब तो ये इक्वेशंस हमारी उस पर ठीक रहेंगी, फिट है। लेकिन मान लो हमने एक लिंक और दो लिंक्स के बीच में इस तरह का कॉन्टैक्ट बना दिया कि वो हायर पेयर बन जाए, ठीक है, तो उसको ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हम उस हायर पेयर को दो लोअर पेयर से रिप्लेस करेंगे, या नंबर ऑफ पेयर जो हैं दो हो जाएंगे, यानी कि चार थे तो कितने हो जाएंगे, वो एक के बदले दो हो जाएंगे तो पांच पेयर्स हो जाएंगे, और उनके बीच में एक लिंक और ऐड कर देंगे। जैसे अब फोर बार चेन की बात करते हैं हम, इसमें देखिए अब नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं चार, पेयर्स कितने बनेंगे एक दो, लिंक नंबर वन और टू मिलकर बना रहे हैं एक, लिंक टू और थ्री मिलकर बना रहे हैं दो दूसरा पेयर, लिंक थ्री और फोर मिलकर बना रहे हैं तीसरा पेयर, और फोर और वन मिलकर बना रहे हैं चौथा पेयर, यानी कि पेयर भी चार हैं। जॉइंट्स कितने हैं चार, यानी कि जहाँ पर दो लिंक जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट, जॉइंट भी चार हैं। तो पहली इक्वेशन लगा के देखते हैं एल इज इक्वल टू टू पी माइनस फोर, तो एल की जगह फोर, पी की जगह फोर, तो क्या हुआ L माइनस एल इज इक्वल टू एट माइनस फोर, ठीक है, L भी 4 है तो राइट में भी 4 आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी इक्वेशन भी अप्लाई करके देखिए तो उसमें भी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, इससे ये प्रूव होता है कि फोर बार चेन है काइनामेटिक चेन फॉर्म करती है, यानी कि जिसमें चार लिंक हो। अब थ्री बार चेन को हम देखते हैं ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, क्यों नहीं है। लिंक कितने तीन, पेयर कितने बने तीन, जॉइंट कितने हैं तीन,
अब इसमें पहली इक्वेशन लगाएं एल इजिकल टू टू पी माइनस फोर, तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में एल है तीन, लेकिन राइट साइड में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वह दो, जो कि लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड से ज़्यादा है। दूसरी इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज़्यादा आ रही है, दोनों इक्वेशन ये प्रूव कर रही हैं कि ये लॉक्ड चेन है। ठीक है, अब एक पांच बार की चेन ले ली हमने, पांच लिंक है इसके अंदर, लिंक कितने पांच, पेयर कितने पांच, जॉइंट कितने पांच, इसमें भी दोनों इक्वेशन लगा के देखिए, तो इस केस में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अनकंस्ट्रेंड चेन। तो इस तरह से जब भी हम मान लो कोई हम काइनामेटिक चेन बनाने की सोच रहे हैं, तो हम देखते हैं कितने लिंक हैं उसके अंदर, उनके हिसाब से बनाए, फिर उसको मैथमेटिकली इक्वेशन लगा के देखेंगे, तो हमारी वो सेटिस्फाई होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाली, तभी वो हमारी सक्सेसफुल होगी, तब हम उसको बनाए तो वो सक्सेसफुली काम करेगी। चलो जी, अब काइनामेटिक चेन तक हो गया, पहले हमने लिंक, काइनामेटिक लिंक क्या होते हैं, फिर उनसे बना काइनामेटिक पेयर, काइनामेटिक पेयर में से मिलके बने फिर वो काइनामेटिक चेन, काइनामेटिक चेन से आगे बनता है फिर वो मैकेनिज्म। ठीक है, तो मशीन जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, पहले हम देखते हैं लिंक्स, उनकी काइनामेटिक चेन बनेगी, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म कब बनेगा, व्हेन वन ऑफ द लिंक्स ऑफ ए काइनामेटिक चेन इज फिक्स्ड द चेन इज नोन एज मैकेनिकम मैकेनिज्म। यानी कि जो हमने काइनामेटिक चेन जो ये थी, इसमें अगर हम किसी एक लिंक को फिक्स कर दें, यानी कि वो मूव ना कर सके, तो वो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म। जैसे ये फोर बार चेन है, अब इसमें हमने एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो बाकी जो है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये मैकेनिज्म बन गया। ठीक है, काइनामेटिक चेन में कोई लिंक फिक्स नहीं है, वो स्पेस में केवल चार लिंक है और उसकी मोशन है स्पेस में फ्री, लेकिन अगर उसके एक लिंक को फिक्स कर दिया तो ये मैकेनिज्म बन गया। तो मैकेनिज्म को हम डिफाइन करें तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, अगर मैकेनिज्म में चार लिंक हैं और लोअर पेयर हैं तो वो बनेगा सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, अगर केवल चार लिंक हैं और चारों के चारों जो लिंक आपस में जो पेयर बना रहे हैं वो लोअर पेयर बना रहे हैं तो वो सिंपल मैकेनिज्म होगा। अगर कोई मैकेनिज्म जिसके अंदर तीन लिंक हैं और हायर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो भी वो सिंपल मैकेनिज्म है, समझे। अब मैंने बताया था ना पीछे, अगर हायर पेयर है तो वो दो लोअर पेयर के इक्विवेलेंट हो जाता है और एक लिंक एडिशनल हो जाता है, तो तीन लिंक एक हायर पेयर के साथ है तो वो चार लिंक जो हैं लोअर पेयर के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो वो भी सिंपल मैकेनिज्म है। अगर चार से ज़्यादा लिंक हैं या दो से ज़्यादा सिंपल मैकेनिज्म जुड़ के अगर कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं तो वो कंपाउंड मैकेनिज्म बन जाता है। तो ज़्यादातर हमारी जो मशीन्स होती हैं वो कंपाउंड मैकेनिज्म होते हैं उनमें, जो बड़ी मशीनें होती हैं। अगर कोई मशीन मैकेनिज्म पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम बोल देते हैं मशीन। ठीक है, मैकेनिज्म से मशीन बनती है। ठीक है, तो ये जर्नी समझ में आ रही है आपको, मशीन तक कैसे पहुंचते हैं। व्हेन ए मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर और टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क देन इट बिकम्स ए मशीन। यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाती है मैकेनिज्म से तो उसको हम मशीन बोल देते हैं। तो ये फ़र्क है, कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या होता है और मशीन क्या होती है। मैकेनिज्म केवल मोशन या मूवमेंट दिखा सकता है जितने भी उसके अंदर लिंक्स हैं, लेकिन मशीन क्या है, वो एनर्जी या पावर को ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसमें फोर्स भी ऐड हो जाता है मशीन के अंदर। ठीक है, तो हम कई बार हम केवल मैकेनिज्म भी यूज़ करते हैं, मशीनें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मशीन के एग्जांपल बताएं, लेथ शेपर प्लेनर सब क्या हैं, मशीन्स हैं। ठीक है, और मैकेनिज्म के एग्जांपल आप देख लो,
केवल मोशन के ट्रांसमिशन के लिए, इंजन इंडिकेटर, टाइपराइटर, ठीक है, या आप जो ग्राफिक्स बनाने के लिए ड्राफ्टर यूज़ करते हैं वो भी एक मैकेनिज़्म है, पेंटोग्राफ है वो भी एक मैकेनिज़्म है। तो वो केवल मोशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव मोशन ट्रांसमिट करना एक पर्टिकुलर टाइप का। और उसी में अगर फोर्स ऐड हो जाए, एनर्जी पावर का हो जाए, तो वो मशीन बन जाती है। तो मैकेनिज़्म से मशीन बना लेते हैं, किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसका मैकेनिज़्म बनता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ रहे थे मैकेनिज़्म और मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। एक टर्म क्या होगी, मैकेनिज़्म, एक होगी मशीन और एक स्ट्रक्चर। तीन टर्म्स आपने देखा होगी या आई होंगी। तो मैकेनिज़्म क्या होता है, मशीन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर तीनों को एक साथ रख के देखें तो इनके डिफरेंस भी आपको पता लगेगा। अदरवाइज़ कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर भी वही चीज़ है, मैकेनिज़्म भी वही चीज़ है, मशीन भी वही है। When a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, then it becomes machine. Mechanism से मशीन बन जाती है अगर उसे हम पावर ट्रांसमिट करें या किसी टाइप का वर्क लेते हैं तो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज एन असेंबली ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम एंड मेंट फॉर कैरिंग लोड्स हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज, मशीन फ्रेम, बिल्डिंग। स्ट्रक्चर में भी लिंक होते हैं लेकिन उन लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। स्ट्रक्चर का काम केवल जो लोड उस पर आ रहा है उसको ट्रांसफ़र करना है या लोड को कैरी करना है, ठीक है। जैसे ब्रिज बनते हैं वो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग को स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, या मशीन का फ्रेम जिसके ऊपर मशीन पूरी काम करती है, फ्रेम वो भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है मशीन और मैकेनिज्म का डिफरेंस। तो मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज़ लाइक स्केल्टन विच हैज डेफिनेट मोशन बिटवीन वेरियस लिंक्स। एक तरह से समझ लो कि ढांचा होता है, जैसे स्केल्टन होता है ना, केवल एक ढांचा है एक मशीन का जो केवल मोशन जो है लिंक के बीच में वो दिखाता है, और जो मोशन के उनके बीच में वो डेफिनेट है। मशीन क्या है, इट इज़ लाइक ए ह्यूमन बॉडी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इंटू यूजफुल वर्क। अब जो ढांचा उसको हमने स्ट्रेंथ भी दे दी, ठीक है, और उससे हम यूजफुल वर्क भी लेने लगे, तो वो बन जाती है मशीन। मैकेनिज्म क्या, इट इज़ अ सिंगल सिस्टम हैविंग ए नंबर ऑफ लिंकेजेस टू ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म मोशन। तो एक सिंगल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लिंक हैं और जो केवल मोशन ट्रांसमिट करते हैं। मशीन के अंदर एक से ज़्यादा मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए मॉडल ऑफ ए मशीन। मशीन बनाने से पहले एक मैकेनिज्म बनाते हैं उस मशीन का जिसमें केवल मूवमेंट नज़र आती है। मशीन इज़ द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ ए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज़ रिलेटेड टू द मोशन ओनली। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये केवल मोशन से रिलेटेड, और वो मशीन किससे, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी। फिर दोनों के एग्जांपल दे दिए। तो पांच नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। मशीन क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है, वर्क करती है। स्ट्रक्चर क्या है, ये कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, ना कोई इससे वर्क मिलता है। मशीन के जो लिंक हैं मोशन भी ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स भी करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं लिंक, केवल फोर्सेस ट्रांसफर करते हैं। मशीन कैन हैव वन और मोर मैकेनिज्म, उसके अंदर मैकेनिज्म होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता। उसके बाद फिर आगे फिर एग्जांपल दे दिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, दो चार पाँच नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मैकेनिज्म, ये क्या चीज़ है। इफ़ काइनामेटिक पेयर ऑफ वन टाइप इन ए मैकेनिज्म इज रिप्लेस्ड विद द अदर टाइप सच दैट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यू मैकेनिज्म इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वन, देन द न्यू मैकेनिज्म सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैकेनिज्म। कहने का मतलब है कि मान लो कोई काइनामेटिक
कोई एक मैकेनिज्म है, और उसमें एक जो काइनेमेटिक पेयर है, पहले वो टर्निंग पेयर था, उस टर्निंग पेयर को रिप्लेस करके मान लो बना दिया स्लाइडिंग पेयर। इस तरह से किया कि उनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो सेम रहें। तो जो नया मैकेनिज्म बनेगा उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट मैकेनिज्म। जैसे नीचे फिगर में देखिए, ओरिजिनल मैकेनिज्म क्या है कि सारे के सारे टर्निंग पेयर हैं, सभी जो पेयर फॉर्म हो रहे हैं वो टर्निंग है, लेकिन अगले में हमने क्या किया है कि एक पेयर हमने स्लाइडिंग पेयर बना दिया, ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम है। तो ये जो नया बना है इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मैकेनिज्म, उसके इक्विवेलेंट ही है, ठीक। फिर आता है इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म, वो हो गया इक्विवेलेंट मैकेनिज्म। एक होता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, व्हेन वी फिक्स ए काइनेमेटिक लिंक इन द काइनेमेटिक चेन देन इट विल मेक ए मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो ओरिजिनल हो गया, हमने शुरुआत में एक मैकेनिज्म तैयार किया, उसके एक लिंक फिक्स है। द इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म इज नथिंग बट ऑब्टेनिंग मोर मैकेनिज्म्स बाय फिक्सिंग डिफरेंट काइनेमेटिक लिंक्स इन द काइनेमेटिक चेन। तो अगर हम ओरिजिनल जो हमने फिक्स किया था उसकी बजाय हम दूसरे लिंक को फिक्स कर दें, बाकी को फ्री कर दें, तो जो मैकेनिज्म हमें नया मिलेगा उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन। इसी तरह से हम अलग अलग लिंक्स को फिक्स करके अलग अलग इन्वर्जन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फोर बार चेन है, उसको हमने सबसे पहले बनाया फर्स्ट लिंक को फिक्स करके मैकेनिज्म, ठीक। तो ये ओरिजिनल वन हो गया, हमने पहला लिंक फिक्स किया, ठीक है। फिर दिमाग में आके क्यों ना इसका दूसरा लिंक फिक्स कर दें, तो पहले को फ्री कर दिया हमने, दूसरा लिंक फिक्स कर दिया, बाकी फ्री है। तो ये जो दूसरे नंबर पे बनाइए पहले का इन्वर्जन हो गया। फिर हम आगे गए, फिर हमने तीसरे को फिक्स करके देखा कुछ किस टाइप का मोशन आता है, तो ये दूसरा इन्वर्जन हो गया। फिर हमने चौथे को भी फिक्स करके बनाया, यानी कि इस फोर बार चेन के में एक ओरिजिनल मैकेनिज्म होगा और तीन उसके इन्वर्जन हो सकते हैं। तो हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग लिंक फिक्स कर सकते हैं और उनके इन्वर्जन्स को बना सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा है, एक बार दोबारा नजर डाल देते हैं इस पे। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद कितने टाइप की चेन है, उसके बाद एग्जांपल था कंडीशन क्या होंगी काइनेमेटिक चेन फॉर्म करने की, ठीक है, मैकेनिज्म कैसे बनता है और कंडीशन क्या है, किस तरह टाइप के मैकेनिज्म है, मशीन और मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या होता है और इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है।